इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। दरअसल जब मलंग रीजेंसी के कांजू रुहान स्टेडियम में अरेमा एफसी और फरसेबाया सुरबाया क्लब के बीच मैच हो रहा था, उसी दौरान ये हिंसा भड़क गई। वहीं अरेमा टीम के मैच हराने के बाद दोनों टीम आपस में भिड़ गई। इस हिंसा में 127 लोग मारे गए जबकि 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बता दें कि हार के बाद निराश फैंस भड़क उठे और आपस में लड़ने लगे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि घटना स्थल पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। इस तरह के दंगों और हिंसा के बाद खेलों को निलंबित कर दिया गया। मरने वालों को 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। वहीं ये घटना शनिवार रात पूर्वी जावा में मलंग रीजेंसी की है, जहां अरेमा एफसी और फरसेबाया सुरबाया के बीच एक मैच के बाद हराने वाला पक्ष के समर्थक मैदान पर आ गए और हिंसा करने लगे। इस दौरान स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद थे और भगदड़ में 3,000 दर्शक मैदान की ओर भागते नजर आए। जब हालात काबू नहीं हुए तो सुरक्षा बलों को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद भगदड़ मचने के बाद दम घुटने की कई लोगों की मौत हो गई, जबकि अफेंटा के रविवार को एक बयान में कहा गया कि घटना में 127 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी हैं, जबकि स्टेडियम में अंदर 34 लोगों की मौत हो गई है और कुछ ही अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। वहीं इस हिंसा की कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वीडियो में सैकड़ों फैंस मैदान पर घुस गए हैं और फिर वहां पर एक दूसरे पर हमला करने लगे। इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ ने शनिवार देर रात इस घटना की निंदा की और इस पर अपना खेद जताया। साथ ही कहा गया कि जांच शुरू करने के लिए घटना स्थल पर टीम रवाना की गई है जो मामले की जांच करेगी। PSSI ने पूरी घटना पर खेद जताते हुए अरेमा समर्थकों की हिंसा पर खेद जताया और पीड़ित परिवारों को घटना के लिए सभी पक्षों से मांगी। इसके साथ ही इन दंगों ने एक हफ्ते के लिए खेलों को आयोजन का निलंबित कर दिया है, जबकि अरेमा FC टीम को इस योजना की बाकी मुकाबले के लिए मेजबान करने से प्रतिबंध कर दिया गया है। इस पूरे मामले में PTLIB के अध्यक्ष निर्देशक अहमद हादीन लुकीता ने कहा है कि PSSI के अध्यक्ष से निर्देश मिलने के बाद ही हमने ये फैसला लिया है।